हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी धनिया के आलू की रेसिपी। बहुत ही कम मसालों से बनी है लेकिन टेस्टी है। ये सब्ज़ी थोड़ी सी अलग है, आपको पसंद आएगी। यदि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हरी धनिया के आलू बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 कप हरी धनिया लेंगे, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, इसे मैंने काट कर लिया है, 6 से 7 लहसुन की कलियां और 2 चम्मच दही लेंगे। यदि आप दही नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। दही की जगह आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और फिर इसे पीस लें। तो यहाँ पर मैंने जार का ढक्कन लगा के इन सब को ग्राइंड कर लिया और ये ग्रीन पेस्ट बन के तैयार है। अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू का छिलका निकाल कर इसे काट लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। सरसों के तेल में सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे और 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जैसे ही आलू हल्के फ्राई हो जाए हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और मसाले। तो मसालों में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर और 3/4 चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे ताकि मसाले जले ना। धीमी आंच पर मसालों को भून लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे हरा वाला पेस्ट। जो हमने हरी धनिया, मिर्च, अदरक और लहसुन डाल के जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और ढक कर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 3 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए, ये मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसे मसालों में मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक आलू की ऐसे ड्राई सब्ज़ी और दूसरी ग्रेवी वाली। तो यदि आपको ड्राई सब्ज़ी खाना पसंद है तो गैस बंद करके इसे ऐसे गरम गरम ही परोसें, और यदि आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है तो इसमें डालेंगे 1 कप पानी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब कढ़ाई का ढक्कन लगा के 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए, ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके तैयार है। गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसे सब्ज़ी में मिक्स कर लेंगे और ये हरी धनिया के आलू बनके तैयार है। इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्ज़ी को रोटी, पराठे या चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगेगी। तो आप भी इस आसान और स्वादिष्ट हरी धनिया के आलू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन्स मिलें।